इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओह क्या लाजवाब मुकाबला हुआ है, ड्रीम इलेवन क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और आज का जो मुकाबला आपसे कुछ क्षण पहले खत्म हुआ है वो तो वाकई में दिल की धड़कने सबकी तेज कर गया होगा। आखिरी गेंद में 5 रनों की जरूरत थी, क्या पारी संजू सैमसन ने खेली। हर कोई यही सोच रहा था कि संजू सैमसन आखिरी गेंद में भी छक्का लगा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक बड़ा एंटी क्लाइमेक्स हो गया और आखिरी गेंद में संजू सैमसन कैच आउट हो गए हर्षदीप की गेंद में, और 4 रन से ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो गया किंग्स, पंजाब किंग्स। और ये पहली जीत मिली, 222 रनों का लक्ष्य था यहां पर, उसको इतने जबरदस्त तरीके से चेज किया। और संजू सैमसन ने जो कमाल की बल्लेबाजी की है, लाजवाब 54 गेंदों में शतक जड़ा। और इसके अलावा कप्तान होने के बाद उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है आईपीएल के इतिहास में, कप्तान ने डेब्यू पर शतक जड़ा है। इससे पहले कि मैं मैच का ब्यौरा आपको देता रहूं, एक एक प्रतिक्रिया हमारे दोनों एक्सपर्ट से, मनिंदर सिंह और अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में है, वो आखिर में धड़कने तेज कर देने वाला मैच। अंजुम एब्सोल्युटली, और आई थिंक जिस अंदाज में हम मिड मैच में बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है और क्या 222 रन चेज हो सकते हैं, नहीं आई थिंक ये साफ दर्शाता है कि अगर एक टीम उस पिच पर 221 रन बना सकती है और वही उसी अंदाज में जो सामने वाली टीम है जिसके अंदर ऑफ कोर्स विस्फोटक बल्लेबाज हैं तो वो भी बना सकते हैं। गेंदबाजों का बेचारों का सोचिए जो ये सोचे जा रहे हैं कि गेंद कहाँ डालें, कहाँ से बचें, क्योंकि फील्ड लिमिटेड है, गेंदबाजी के जो विकल्प हैं वो बहुत सारे हैं, पर डालनी कहाँ है गेंद। जी हाँ, और ऐसा गेम चेंजर होता ड्रीम इलेवन का आज संजू सैमसन कप्तानी डेब्यू पर 100 और उसके बाद आखिरी गेंद पर अगर मुकाबला जिता देता, 222 रन अगर चेज कर लेते तो लाजवाब हो जाता। तीसरा शतक था, 54 गेंदों में उन्होंने सैकड़ा जड़ा और कई उन्होंने छक्के और चौके लगाए, 7 तो छक्के लगाए, 12 चौके भी लगाए संजू सैमसन ने, लेकिन मैच आखिर में जिता नहीं पाया। आखिरी गेंद में 5 रनों की जरूरत थी जहां पर सिर्फ छक्का चाहिए था, और इतना आसान नहीं होता छक्का लगाना आखिरी गेंद में जब आप पर प्रेशर आ जाता है। लेकिन मन्नेपाजी आपने कहा था लगातार YouTube चैनल पर, अगर आप हमसे मिलते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कहा था मन्नी पाजी ने, अगर यहां पर चेज करते हुए नजर आए राजस्थान रॉयल्स तो इस मैच को देखने के मजे ही अलग हो जाएंगे। और वाकई में मजा आ गया, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, मजा आ गया। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स हो गया क्योंकि संजू सैमसन, मुझे नहीं पता सेकंड लास्ट बॉल पर उन्होंने सिंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर सिंगल ले लेते मॉरिस आते स्ट्राइक पर, एक बाउंड्री चाहिए थी मैच जीतने के लिए, और ऐसे में उन्होंने वो सिंगल रिफ्यूज कर दिया वो भी उसको बिल्कुल सो बेसिकली किए किराए पे पानी फेर दिया उन्होंने, क्योंकि इतनी बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली। और एक समय जब मैं अपने कुछ दोस्तों से भी बात कर रहा था मिड मैच में, अब जब हमारा शो हुआ उसके बाद, वो कह रहे थे ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये चेज होने वाला नहीं है। मैंने कहा पिच बहुत बढ़िया है, ये टारगेट चेज हो सकता है अगर सेंसिबली खेला जाए, और बहुत सेंसिबली खेले केवल सेकेंड लास्ट बॉल तक। और ये जो उन्होंने 5 रन छोड़ दिया आखिरी बॉल पर, यानी कि केवल 6 ही लगा के जीत सकते थे, वो आपने बिल्कुल सही कहा समीप, के प्रेशर में 6 लगाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, और अगर आप देखें कि बेन स्टोक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था आज, 0 पर आउट हो गए, मनन बोरा 12, लेकिन उसके बाद मन्नी पाजी ने एक बात की तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डेढ़ डेढ़ परफॉर्मेंस की आज बहुत दिखी है राजस्थान रॉयल्स की, जिसकी वजह से ये लगभग जीत की दहलीज पर पहुंच गया था और वहां जाकर फिसल गया और गिर गया। लेकिन अंजुम अगर बात की जाए पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की, शानदार गेंदबाजी लाइनअप थी, शमी, जाय रिचर्डसन, रायली मेरेडिथ, ये इतने जबरदस्त यहां पर गेंदबाज होते हुए भी आज ये मैच लगभग हाथ से निकल गया था पंजाब किंग्स के, क्योंकि कैच बहुत छोड़े समीप, 3 कैच तो संजू सैमसन के ही छोड़े। अगर रायली मेरेडिथ की तरफ देखेंगे तो आप सोचेंगे कि एक बहुत आसान सिंपल कैच होना चाहिए था, जब मयंक अग्रवाल और शाहरुख खान के बीच में गेंद गिर गई थी तब लेना चाहिए था, एक विकेट कीपर कप्तान केएल राहुल ने छोड़ दिया। तो अगर गेंदबाजों की बॉलिंग पर कैचेस नहीं लिए जाएंगे तो जो भी पहला अपना आईपीएल मुकाबला खेल रहा होगा वो तो वैसे ही दबाव में आ जाएगा, क्योंकि जहां उसने गेंद डाली थी विकेट लेने के लिए वहां मिली नहीं, और उसके बाद चौके और छक्के लग रहे हैं। और अंजुम खास तौर से इस तरह की पिच के ऊपर जहां की बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं है, वहां पर फील्डर्स का साथ बहुत जरूरी है बॉलर्स के लिए, और जिस तरह से अंजुम ने बताया वो कैचेस छूटे, अगर वो साथ नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह के टारगेट भी चेस करने वाली टीम क्लोजर चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और अगर हम बात करें शायद वो लाइन और लेंथ भी ढूंढने में लगे हुए थे आज गेंदबाज, खासकर जाय रिचर्डसन, जिन पर हम काफी यहाँ पर ड्रीम इलेवन के हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टीम में जरूर रखा होगा। 4 ओवर में 55 रन दिए उन्होंने और 13.8 की औसत से रन लुटाए, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइन और लेंथ जल्दी उन्हें तलाशनी होगी। लेकिन मोहम्मद शमी का प्रदर्शन लगभग अच्छा रहा है, 4 ओवर में 33 रन दिए, शमी को पता है चाहे वो वांखेड़े का विकेट क्यों ना हो वहां पर कैसे गेंदबाजी करनी है। अंजुम
आई थिंक एक चीज और बहुत अहम है कि जाय रिचर्डसन ऑफकोर्स पहली बार खेल रहे हैं, रायले मेरेडिथ भी पहली बार खेल रहे हैं, लेकिन जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन पंजाब किंग्स लेके गया था वो तेज गति के गेंदबाजों के तरफ लेके गया था. ऑफकोर्स अश्विन एक अकेले एकमात्र स्पिनर रहे, लेकिन मे बी जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर पंजाब किंग्स को मुकाबला खेलना है, यही परिस्थितियाँ रहेंगी, ऐसा ही मैदान रहेगा, तो वो ज़रूर एक फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर को ऐड करना पसंद करेंगे, बिकॉज वो चेंज ऑफ पेस आनी जरूरी है, बेहद आवश्यक है. लगा था कि दीपक हुड्डा को गेंदबाजी कराएंगे पर ऐसा देखने को नहीं मिला. लेकिन वो चेंज ऑफ पेस बॉलर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत तेज करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह से बॉलिंग कर रहे थे. दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जिस तरह से बॉलिंग करने के आदी है, कुछ वैसी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे. ये लर्निंग कर्व है उनके लिए भी, आईपीएल में आके सीखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह की पिचेस के ऊपर वो स्लोअर वंस का इस्तेमाल करना है, यॉर्कर्स डालने हैं. सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि ये दोनों कुछ ना कुछ अलग करेंगे. हम हीरोज की तरफ रुख करते हैं मनीपा जी अंजुम, क्योंकि यहाँ पर आज बात हो रही है संजू सैमसन की. भले ही मुकाबला ये आज राजस्थान रॉयल्स हार गया, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला था जहां पर किसी की हार नहीं हुई है, क्योंकि क्रिकेट की वाकई में जीत हुई है. इस मुकाबले में क्या लाजवाब क्रिकेट देखने को मिली. पहले पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी की शानदार, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने, 8-8 गेंदबाजी यूज की है, लेकिन फिर भी 222 का लक्ष्य दिया, और उसके बाद 222 का लक्ष्य पीछे करते हुए बिल्कुल जीत की दहलीज तक पहुंच गए थे. ऐसा लगा कि उन्होंने जो शारजाह में मुकाबला हुआ था वो फिर दोहराने वाले, 224 रन जहां पर चेज किए थे. इस बल्लेबाजी के वैगन व्हील को देखकर क्या कहेंगे संजू सैमसन, जिसके बारे में आपने कहा था कप्तानी मिलेगी तो और जिम्मेदार खिलाड़ी बनेगा, क्योंकि टैलेंट बहुत के अंदर भरा हुआ है इसके अंदर. ऐसा हमने कई बार देखा है, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी कंसिस्टेंट नहीं रहती है परफॉर्मेंसेस, लेकिन उनको अगर आप कमान दे दें, टीम का लीडर बना दें, तो फिर वो कंसिस्टेंसी आनी शुरू होती है, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर टीम क्या कर सकती है. शायद यही सोचा होगा राजस्थान रॉयल्स की जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने, कि इनको कप्तानी क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि इतना टैलेंट है, ये वेस्ट कर देते हैं हर सीजन में टैलेंट, एक आध परफॉर्मेंस करते हैं, फिर उसके बाद 5-6 मैचेस के बाद फिर दूसरी परफॉर्मेंस करते हैं. सो ऐसे ऐसे किसी खिलाड़ी को अगर आप जिम्मेदारी दे दें तो फिर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने लगता है. उम्मीद करेंगे कि किसी तरह के एंटरटेनर है, इसी तरह से एंटरटेन करते रहे हमें कंसिस्टेंटली ऐसे ही खेलते रहे, बहुत जरूरी होगा यहाँ पर. और इस वैगन व्हील को देखकर लगता है कि गेंदबाजों को कितनी मार पड़ी है बेचारों को. चलिए दूसरे कप्तान की तरफ चलते हैं, बड़े ही कूल कप्तान है, वाकई में शातिर दिमाग है, कामनेस है, ठंडे दिमाग से खेलते भी हैं, और एक और बेहतरीन पारी आज केएल राहुल की, जिसको कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं इस सीजन में. 4 दिन पहले इसका प्रेडिक्शन किया था मनीपा जी ने. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी केएल राहुल की, और कप्तानी भी टाइट सिचुएशन में अंजुम. आई थिंक अगर बल्लेबाजी की तरफ नजर डालेंगे या कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क रहा कि केएल राहुल अपना शतक नहीं पूरा कर पाए. संजू सैमसन ऑफकोर्स चांसेस मिले, गेंदबाजों ने अच्छी डाली लेकिन फील्डर्स ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन शतक पूरा करने में कामयाब रहे. और शतक जैसे हम मिड मैच में भी बात कर रहे थे, यूट्यूब चैनल पर भी बात कर रहे थे, कि वो 30 से 60 तो आप एक स्पीड पर बतौर बल्लेबाज पहुंच सकते हो, लेकिन 60 से 80 और 80 से 100 पहुंचने में आपको वक्त लग सकता है. वो वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रख चुकी होती, आप अपने 80-90 रन तो बना चुके हो लेकिन सामने वाले के रन भी तो भाग रहे हो. सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहा कैप्टनसी के बल्लेबाजी में, बिकॉज केएल राहुल को यहाँ अपॉर्चुनिटी थी शतक पूरा करने की. बिल्कुल, और दीपक हुड्डा की भी बात करेंगे जिन्होंने 64 रन बनाए 20 बॉल में, अपना अर्धशतक भी पूरा किया. लेकिन अब बारी किसकी, अब बारी है आज के गेम चेंजर, ड्रीम 11 गेम चेंजर की. आज ड्रीम 11 में जो फैंटेसी टीम बना रहे थे उनके लिए आज का जो गेम चेंजर है, और वो है हारा हुआ कप्तान, क्योंकि जो पारी उन्होंने खेली, तीसरा शतक आईपीएल के इतिहास में उनका, और कैप्टन के तौर पर डेब्यू पर शतक लगाने वाला ये बल्लेबाज संजू सैमसन, नया कप्तान और एक जबरदस्त शुरुआत कप्तान के तौर पर. 179 यहां पर 179 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर. हार गए तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने कहा था ना, हारने के बाद भी आज दोनों टीम जीती है. और मनीपा जी, ये गेम चेंजर में अगर नंबर एक पर संजू सैमसन है तो मेरी बात सही साबित भी होती है. और क्या इनिंग्स भी खेली है उन्होंने, कितने बढ़िया टाइमर है बॉल के. ये अगर मैं तभी बार बार वो कंसिस्टेंटली इनके लिए इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये 20 ओवर्स की क्रिकेट क्यों देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए. और अगर इस तरह के एंटरटेनर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे
तो आप अंदाजा लगाएं कितना मजा आ जाएगा आईपीएल में। बिल्कुल, संजू सैमसन जिता नहीं पाए टीम को, लेकिन आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं टीम को उम्मीदें जरूर दे दी है कि राजस्थान रॉयल्स को अब यहां से कोई हल्का नहीं ले सकता है। बल्लेबाजी में दमखम है, बेन स्टोक्स और बटलर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना भी आप देखिए कहां तक ये टीम पहुंची। और आज आखिर में हम कह रहे हैं कि एंटी क्लाइमैक्स हो गया ये मैच, जो था राजस्थान रॉयल्स की झोली में जाना चाहिए था। और गेम चेंजर, ड्रीम इलेवन गेम चेंजर नंबर दो, अंजुम आपका कप्तान केएल राहुल 142 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ। और अच्छी बात भी है क्योंकि 91 रनों की जो पारी खेली वो सामने दीपक हुडा भी खड़े थे, उन्होंने भी बहुत कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने शतक पूरा नहीं किया तो इनकी खराब बल्लेबाजी रही, मैं समझती हूँ वो साझेदारी भी 105 रनों की बहुत अहम थी पंजाब किंग्स के लिए। और अगर सामने से आपका कप्तान खड़ा है तो यकीनन बल्लेबाज को काफी कॉन्फिडेंस मिलता है अपने हाथ खोल के खेलने के लिए। सो आई एम नॉट सरप्राइज 142 अंक आज हमारे गेम चेंजर कप्तान। बिल्कुल, और जो तीसरा आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, एक जबरदस्त साझेदारी, 47 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी की दीपक हुड्डा, वो है तीसरे गेम चेंजर यहां पर। मंडीपा जी, दीपक हुड्डा 114 पॉइंट्स फैंटेसी पॉइंट्स के साथ ड्रीम इलेवन गेम चेंजर नंबर थ्री। और उनको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल भी किया गया कैप्टन द्वारा, उनको अच्छे नंबर पर भेजा गया, उनको वक्त मिला सेटल होने के लिए। और जिस तरह से अंजुम कह रही थी कि कैप्टन के साथ जब आप खेल रहे होते हैं तो कई बार आपको एक खुली छूट भी मिल जाती है, एक चीज़ इससे ये पता चलती है इस पार्टनरशिप से कि कैप्टन किस तरह से अपने बैट्समैन से बात करते रहे, हुडा से बात करते रहे और उनको किस तरह से मोटिवेट करते रहे जब ये इनिंग्स बढ़ रही थी, क्योंकि कैप्टन ने सोचा कि मैं खड़ा रहूंगा और जो बड़े स्ट्रोक्स लगाने वाला बैट्समैन है उसको एनकरेज करता रहूंगा, जो कि दीपक हुडा को उन्होंने किया और इस तरह की इनिंग्स उनसे निकलवा के ले आए। सो ये अच्छे कैप्टन्स की भी निशानी होती है कि अपने सामने वाले बिग हिटर्स से किस तरह से बड़ी हिट्स लगवा सके। वाकई में, और आज का मुकाबला वीवो आईपीएल सीजन 14 का सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक होगा। एक इतना बड़ा टारगेट यहां पर चेस करने को दिया, 222 का सेंचुरी देखने को मिली और केएल राहुल सेंचुरी बनाने के करीब आ गए थे, तो एक जबरदस्त यहां पर मुकाबला आज देखने को मिला जहां पर पंजाब किंग्स आखिर में विजयी साबित हुई, जीतने में कामयाब हुई 4 रनों से। बड़ा मजा आया पूरे दिन यहां पर ड्रीम इलेवन की टीम के, जो यहां पर हमारे फैंटेसी टीम के बनाने के लिए आपने जो मदद की, जो टीम बनाई, उम्मीद है आपने खूब फैंटेसी पॉइंट्स आज जीते होंगे हमारे कार्यक्रम को देखकर। कल शाम 7 बजे दोबारा हम हाजिर होंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आपको बता दें एक और बात कि कल मनीपाजी भी होंगे, अंजुम भी होंगी, अंजुम चोपड़ा भी होंगी और इसके साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे एक और एक्सपर्ट संजय मांजरेकर। फिलहाल कल मैच शुरू होने से ठीक पहले हम आपसे दोबारा मिलेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।